हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे, नहीं थर्सडे, थर्सडे है और 9:30 हो गए हैं। ठीक है, बाइक लेके गए क्या ऐसी बारिश में भी? लो जी, बाइक पे गए हैं बारिश में। बारिश लगी हुई है बाहर। मौसम दिखाऊं? सुबह 9:30 देखो कैसा हो रहा है, एकदम काला अंधेरा छा गया। और जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा ही था, मेरा कपड़े धुल रहे हैं, तो बस आधे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए सूखने के लिए और आधे कोई बाल्टी में निकल रहे हैं, कोई मशीन में चल रहे हैं। अभी चल ही रहा है, काम चल ही रहा है। ब्रेकफास्ट में बन रहा है दलिया, लंच के लिए सुबह ही आलू बन गए, चपाती बनेगी। आदित्य तो और तनु गए दोनों दुकान आटा लाने के लिए। सुबह सुबह आटा ख़त्म हो गया, सुबह लायक तो था बट दिन के लिए भी चाहिए होगा। और आदित्य जिद कर रहा था कि उसको शेक पीना है, चॉकलेट शेक, तो वो गया चॉकलेट शेक लाने के लिए। और मैडम हमारी यहाँ सोई है झूले में, सोई नहीं है, ऐसे ही लेती है। तो अभी अभी यहाँ पे मैंने किया था प्रेस और अब मुझे ये बेडशीट बिछानी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 3 बेडशीट धुलने में डाल दिए। तो ये वाली जो बेडशीट है, आप लोगों की पहले भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस तरीके की बेडशीट की। तो अगर आपको भी जयपुरी प्रिंट, तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि आपको जयपुरी प्रिंट में कोई बेडशीट मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, वहाँ पे जब आप सर्च में जाएंगे तो आपको जयपुरी बेडशीट्स, जयपुरी प्रिंट बेडशीट्स सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और बहुत सुंदर सुंदर कलर के ऑप्शन आएंगे। तो जब से ना मैंने ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा रखा है ना, तब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी गिर जाए नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, गद्दे तक पहुंचता ही नहीं है। और फिर ये कि गद्दा भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। वैसे गद्दे में ऑलरेडी एक कवर है, ये वही मैट्रेस है वेकफिट वाला, तो वैसे इसमें ऑलरेडी भी एक कवर है बट उसको भी रोज़ रोज़ नहीं धोया जा सकता, तो इसलिए मैंने ये प्रोटेक्टर लगवा लिया था। तो चलिए काम निपटा लेते हैं और साथ साथ आप लोगों से मिलते भी रहेंगे बीच बीच में और काम भी करते रहेंगे। आज ही सारा काम निपटा देंगे, अदरवाइज़ कल फिर अगर निकलना होगा तो फिर बहुत सारा काम हो जाता है। अभी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि हम कहीं जा रहे हैं, तो उस चक्कर में जो है मैंने पूरी बेडशीट्स जो भी सारे कमरों में बिछी हुई थी बेड पर, वो सारी जो है धुलने के लिए डाल दी थी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि फिर वैसे भी धुलने के लिए थी ही। और जब घर आते हैं वापस, तो फिर अगर बेड वगैरह पूरा ऐसे उल्टा पुल्टा पड़ा हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं जो बेडशीट है ये यहाँ पे बिछा लूँगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप ना मैट्रेस ढूंढ रहे हो, कोई मैट्रेस ढूंढ रहे हो, तो दो दो जो मैट्रेस आते हैं ना पेयर, वो मत लीजिएगा। अगर सिंगल मैट्रेस ले सकते हैं आप, अगर आपको जो है ले सकते हैं आप, तो वो ले लीजिए, क्योंकि उसमें बेडशीट जो है वो बिल्कुल भी तस्से मस नहीं होती है और एकदम परफेक्ट फिट जो है मैट्रेस लीजिएगा। और वेक फिट में तो आपको पता ही है कि आप जो है अपना मतलब पर्सनलाइज भी उसको बना सकते हैं, साइज़ जो है अपने हिसाब से आप वहाँ पे ले सकते हैं कि आपको किस साइज़ का मैट्रेस चाहिए। तो बस यहाँ पे ये जो कवर है ना, वैसे ये रज़ाई का है, लेकिन आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम अचानक से चेंज हो जाता है तो रज़ाई की ज़रूरत पड़ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी हो जाती है तो फिर रज़ाई की ज़रूरत नहीं होती, तो यही कवर हम लोग ओढ़ लेते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन में ये कवर जो है रज़ाई पर चढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ रज़ाई जो है वो हो जाती है गंदी। लेकिन फिर भी मैं रज़ाई जो है बेड पर ही बिछा के रखती हूँ, क्योंकि रात में अचानक से कभी भी अचानक से जो है मौसम ठंडा हो जाता है, हल्की सी भी बारिश शुरू होती है तो मौसम हो जाता है ठंडा। और यहाँ पे उर्वी के सारे कपड़े हैं, जो मुझे बहुत गंदा लगता है ये काम तय करने का और उनको रखने का, तो बस सारे पजामे पजामे मैं इसके अलग रखती हूँ, और इसकी फ्रॉक्स वगैरह या टी शर्ट्स होती है उनको अलग रखती हूँ, ताकि जब भी पहनाना हो तो फिर वो मतलब आपस में ऐसा ना हो कि टी शर्ट की जगह पजामा निकले और पजामे की जगह टी शर्ट निकले। तो ये मेरा मतलब है, मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके ब्लैंकेट वगैरह, इसके पजामू सारे, मतलब पजामू लोकल लैंग्वेज में छोटा शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, तो ये एक आदित्य के कबर्ड में से ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये मैंने गुड्डू के लिए ले लिया है, मतलब उर्वी के लिए ले लिया है। इसमें इसकी ड्राई शीट्स, इसके ब्लैंकेट्स वगैरह और इसके
जो कपड़े होते हैं वो रहते हैं। तो बस ये सेट हो गया है। और यहाँ पे ना मैं एक बकेट रख देती हूँ कि जैसे इसके पजामे वगैरह या कुछ भी डालना होता है तो इसमें डालती रहती हूँ, अदरवाइज़ फिर फ्लोर पे होता है ना कई बार बेड पे आप बैठे हो, बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते हो और कपड़े रखने भी नहीं जा सकते अंदर, तो एक बकेट में रख देती हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ये जो एक ड्रॉर है ना, ये दो है मेरे पास, तो इसमें से एक जो है मैंने पूरा उर्वी के कपड़ों के लिए रख दिया है ताकि बच्चे के जो कपड़े पूरे सेट रहे। तो इसमें एक मैं टी शर्ट्स में अलग रख देती हूँ, पजामे वाला जो है वो अलग है, उसके अलावा जो गर्म कपड़े हैं उनके लिए अलग ड्रॉर है ताकि एकदम ज़रूरत के टाइम पर जो है मुश्किल ना हो। तो ये मेरी आदत है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। और जिनके भी घर में बच्चे हैं ना, वैसे तो सभी लोग अपने हिसाब से जो है ऐसे ही समेट के रखते हैं। और ये जो ड्रॉर के ऊपर ये बॉक्स सा मैंने रखा हुआ है कार्टन बॉक्स, इसमें उर्वी की दवाइयाँ वगैरह या तेल वगैरह पाउडर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से सामान बच्चों का समेट के रखते हैं ना, तो फिर बाद में ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है। भले ही मेरा घर आप लोगों को बिखरा बिखरा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि घर जो है मैं समेट देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद वो दोबारा जो है बच्चे बिखेर देते हैं। तो ये आई थिंक सबके घरों में ही होता है, और जिनके घरों में नहीं होता तो भाई आपके बच्चों के लिए मैं जो है तालियां देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत गंदगी डालते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, बच्चों की यही उम्र है खेलने की भी गंदगी डालने की भी, तो जितना रोकेंगे फिर बच्चा जो है हर चीज़ के लिए उसको आदत पड़ जाती है कि हाँ आगे से डांटी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आदित अपने टॉयज़ वगैरह फैलाता है मैं ज़्यादा उसको बोलती नहीं हूँ कुछ भी। तो गुड टू हमारी नहा कर रेडी है, और मैं तो आपको भी ऐसे ही मिलने वाली हूँ जब तक कि नहा नहीं लेते हैं ना, क्योंकि अभी तनु और आदू दोनों गए नहाने के लिए। उफ यार, एक तो बालों में ना कुछ भी लगाओ तो चुभता बहुत है। और ये रहा हमारा गुड्डू। गुड्डू नहा गई है और अब गुड्डू सो जाएगी। ये रहा गुड्डू का बिस्तर, यहाँ पे लग गया है। और ये देख लो, आप लोग बोलते हो ना घर साफ नहीं करते, तो अभी फिलहाल तो साफ है, वो सामने ऐसा ही रहता है क्योंकि और जगह नहीं है कहीं पे सामान रखने की। और सिर्फ हॉल मतलब जो बाहर वाला कमरा है वो उसमें झाड़ू लगाना बाकी है। बाकी टॉयलेट बाथरूम दोनों मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अभी ये देखो झाड़ू यहीं पड़ा हुआ है, ये क्लीन करने के लिए बचा है, बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए। इन लोगों का कमरा भी रेडी है, साफ़ कर दिया है, पोछा वगैरह सब कुछ लग गया है। ये देखो एकदम साफ़ है, अभी ये साफ़ दिख रहा है। शाम को दिखाऊंगी अगर मैं हालत अगर मुझे याद रही तो देखना ज़रा कमरे की क्या हालत होगी। तो यही रहता है यहाँ पे। और ये बाहर हॉल इसलिए हमेशा तहस नहस पड़ा रहता क्योंकि सब लोग यहीं बैठे रहते हैं ना, इसलिए ये देखो मेहनत चली हुई है अभी भी। ये देखो अभी मैंने ये साफ किया था, ये आदित यहाँ पे सब अपने कपड़े वपड़े खेलने के रख के चला गया। ये देखो गुड्डू की कंघी भी हो गई। और अच्छा आदू आप आ जाओगे कैमरा में, पीछे हट जाओ। ये देखो गुड्डू को मैंने क्लिप लगाई है, बट मुझे डर लगता है कि इसको चुभे ना कहीं। अभी ऐसे ही लगाई है मैंने, निकाल दूंगी मैं इसको। गुड्डू तू मुंह बड़ी जल्दी जल्दी गंदा कर देता है अपना। हाँ जी मैं अब कोड उठिंग। मैंने बल्ब बड़ा सजाना, ठंडो कोको कोलो लायो। हाय हाय, हाउ वाज योर डे? अच्छा ये बताओ तुम शाम का ब्रश करती हो कि सुबह का ब्रश शाम को कर रही हो? हमने सुबह से लेकर ब्रश नहीं किया है, हम अभी पहली बार ब्रश कर रहे हैं। तुम्हारे दांत खराब होते हैं। हम काका भतीजे एंड कंपनी का। एवरीवन इज स्लीपिंग बेबी इंक्लूडिंग द बेबी। यस रियल बेबी। यस ओके। तुमने एक बार बताओ बाहर पानी पी लीजिए भाई इसको। फेंको ओए यार यार ले। ये देखो आज बन रहे हैं पकोड़े, और ये खोल रही है यहाँ पे चाय। कुछ पकोड़े मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं बना के,
और अभी ये सब को इग्नोर करना क्योंकि अभी बन जाएंगे तो फिर मैं एक ही साथ क्लीन करूँगी सब कुछ। तो एज़ यूजुअल मैं व्लॉग एंड करना जो है वो भूल गई थी। अभी जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आया कि मुझे व्लॉग को जो है वो एंड भी करना है। और बेडशीट का जो लिंक है, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत टाइप की आपको बेडशीट मिल जाएंगी। ये वाला व्लॉग बहुत ही छोटा है। ये छोटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग वैसे भी व्लॉग जो है बहुत स्किप करके देखते हैं। सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग देखते हैं। तो फिर ज़्यादा लंबा अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, एडिटिंग के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। बट खैर, जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरा काम है एडिटिंग करना भी और व्लॉग को बड़ा बनाना या छोटा बनाना, जैसे भी है वो सब कुछ करना ही पड़ता है क्योंकि ये मेरा काम है। और आप लोगों की इच्छा है कि उसको कितना देखना है कितना नहीं देखना है, और मैं इस चीज़ के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती कि आप जो है मेरा व्लॉग बिना स्किप किए देखो। क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरा काम है व्लॉग बनाना, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपना टेस्ट है कि आपको क्या कितना देखना है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सब लोगों का अपना जो है वो अलग अलग रहता है ना, कि कुछ चीज़ें कईयों को पसंद नहीं आती, कईयों को कुकिंग पसंद नहीं आती, कईयों को जो हम लोग स्पॉन्सर्ड वीडियो करते हैं, प्रमोशनल वीडियोज़ करते हैं, वो पसंद नहीं आता है। बट मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि सारी वीडियो जो हम करते हैं, सारी ही वीडियोज़ जो है वो प्रमोशनल नहीं रहती है, मतलब पेड प्रमोशन नहीं रहती है। कुछ कुछ जो है हम बिना पेमेंट के भी करते हैं, बिना मतलब अनपेड प्रमोशंस भी होती है जिनका हम जेन्युइन रिव्यू भी देते हैं, और जो पेड प्रमोशंस होती हैं उनका भी हम जेन्युइन रिव्यू ही देते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसका हम जो है रिव्यू नहीं देते हैं, और अगर हमें अच्छी लग रही है तो फिर हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ फोर्स नहीं करते हैं कि हाँ आप ले ही लीजिए। और हर एक चीज़ की जो है अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है या फिर ये ऑयली स्किन के लिए है, इस तरीके से रहता है। तो जो आपको लगे कि आपकी स्किन पे सूटेबल है, किस टाइप की जो स्किन है, जो भी मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसी हिसाब से जो है आप उसे बाय किया कीजिए। मतलब पूरा प्रॉपर जो है पहले चेक कर लिया कीजिए कि हाँ जो मैंने प्रोडक्ट दिया है लिंक पे क्लिक करके आप श्योर हो जाइए उस चीज़ को लेके, उसके बाद ही आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो बहुत होगी बातें, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और व्लॉग्स देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंजॉय करते रहिए व्लॉग्स को। हाँ, मैं मानती हूँ कि कमेंट्स के रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा जो है मैनेज नहीं हो पाता है कई बार, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। ये बात अलग है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहो सब लोग अपने अपने घर पर। छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखिए और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए। बाय बाय। सीखिए क्या, मतलब करना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बाय बाय।